बढ़ती ठंड की वजह से लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन जान जाने के बाद मोक्ष के पथ पर चलने के लिए काशी पहुंचे शव यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड ने अपने पांव पूरी तरह से पसार लिए हैं। ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हैं कि न घर में चैन है और न ही बाहर रहा है। हर तरफ ठंड और कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम आपसे कहें कि श्मशान घाट पर भी इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। धर्मनगरी वाराणसी में महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर शाम को पड़ने वाली हाड़ कपा देने वाली ठंड और शीतलहर के साथ कोहरे की वजह से दोपहर के वक्त आने वाले शवों की संख्या इतनी ज्यादा हो जा रही है कि दाह संस्कार करने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था भी नहीं है बनारस के अंदर। चिताएं पहले से करीब दोगुनी तिगुनी हो गई हैं, चिताएं जल रही हैं इस ठंड में उसमें, क्योंकि मैं अक्सर हर दो महीने तीन महीने में घाट में आता हूँ। मैं लोकल यहीं का रहने वाला हूँ काशी का। यहाँ ये चिताएं इतनी ज्यादा आ रही हैं कि लोग को एक एक दो दो घंटे छः छः घंटे इस मौसम में रुक के इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। दूर दूर से आने वाले लोगों की संख्या 24 घंटे यहाँ पर ऐसे ही बनी रहती है, लेकिन भीषण ठंड का असर महाश्मशान मणिकर्णिका पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त इक्का दुक्का शव ही पहुँचते हैं, लेकिन दिन होते होते शवों की संख्या बढ़ जाती है। शवों का दाह संस्कार करने के लिए बनाए गए 10 प्लेटफॉर्म फुल होने के कारण बाकी शवों के दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ता है। वाराणसी से भारत समाचार के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट।